तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्परेरीली डिसेबल कर सकते हैं या फिर कैसे आप उसको परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब वीडियो को आपको पूरा देखना है, कॉन्सेप्ट्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसे डिलीट कर सकते हैं। परमानेंटली डिलीट करने का ऑप्शन भी होता है और टेम्परेरीली डिसेबल करने का भी ऑप्शन होता है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको वो आईडी खोल लेनी है जिसको आप डिलीट या फिर टेम्परेरीली डिसेबल करना चाहते हैं। तो वो मैंने आईडी यहाँ पे ओपन कर रखी है। ये आईडी मैंने बहुत पहले बनाई थी, लेकिन कोई भी आईडी जब बनाता है तो उसे नहीं पता होता है कि डिलीट करनी पड़ सकती है, लेकिन आपकी जो भी प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम या फिर और कुछ दिक्कत हो सकती है जिससे आप टेम्परेरीली डिसेबल या फिर डिलीट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट को, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो इसके लिए हम लोगों को जाना है सबसे पहले सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए कि आपको प्राइवेसी या फिर सिक्योरिटी या फिर और किसी ऑप्शन में नहीं जाना है, क्योंकि जो डिसेबल करने का ऑप्शन है वो एकदम एक्सटर्नल आपको मिलेगा। इस वजह से आपको यहाँ पे हेल्प पे क्लिक करना है। हेल्प पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ से रिपोर्ट अ प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम है रिपोर्ट कर सकते हैं हेल्प सेंटर। तो हेल्प सेंटर पे आपको जाना है। हेल्प सेंटर पे मैंने टैप कर दिया। हेल्प सेंटर पे जब मैंने टैप किया, यहाँ पे हेल्प सेंटर खुल चुका है क्रोम ब्राउज़र में, और यहाँ पे कई ऑप्शन देखने के लिए मिल सकते हैं, मतलब मिल जाते हैं। और हम लोगों को यहाँ पे टैप करना है मैनेजिंग योर अकाउंट, क्योंकि हम लोग को इसी में जाना है। तो इस पर हमने टैप कर दिया मैनेजिंग योर अकाउंट, और यहाँ पर आया है डिलीट योर अकाउंट ऑप्शन। तो डिलीट योर अकाउंट का ऑप्शन जैसे ही आया, अब हम लोगों को इस पर टैप कर देना है, क्योंकि हम लोग का यही ऑप्शन में जाना है। तो यहाँ पे हम लोगों को कई ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे कि डिलीट योर अकाउंट है, तो हाउ डू आई टेम्परेरीली डिसेबल माई इंस्टाग्राम अकाउंट, और हाउ डू आई डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट, और तीसरा है हाउ डू आई एक्सेस और रिव्यू माई डेटा ऑन इंस्टाग्राम। तो हाउ डू आई टेम्परेरीली डिसेबल माई इंस्टाग्राम अकाउंट, इस पर हम लोग पहले देख लेते हैं, क्योंकि पहले हम लोग डिसेबल करना सीख लेते हैं, उसके बाद परमानेंटली डिलीट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको हम लोगों को बता रहा है चार पाँच स्टेप्स हैं। तो हम लोगों को instagram.com पे लॉग इन करना है। कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप साइट से आप विजिट कर सकते हैं या फिर अपने क्रोम ब्राउज़र से। उसके बाद आपको लॉग इन करना है, उसके बाद एडिट प्रोफाइल पे टैप करना है, प्रोफाइल पिक्चर पे टैप करके डेस्कटॉप साइट आपको ओपन कर लेना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और स्क्रॉल डाउन, टेम्परेरीली डिसेबल माय अकाउंट, ये सारी चीज़ें लिखी है। अब ये सब मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लॉग इन कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप साइट भी ऑन है पहले से ही, और मैंने जो अकाउंट है उसको लॉग इन कर लिया। और यहाँ पे आप राइट साइड में सबसे ऊपर देखेंगे जो आइकन है अकाउंट का, वो बना हुआ है, इस पर हम लोगों को टैप करना है। और इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, सेटिंग्स के ऑप्शन पर हम लोगों को टैप कर देना है। अब सेटिंग्स के ऑप्शन पे जैसे ही मैंने टैप किया, आप यहाँ पे देखिए सारी सेटिंग्स यहाँ पे ओपन होके आ गई हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। और यहाँ पे टेम्परेरीली डिसेबल माई अकाउंट, तो इस यही ऑप्शन है जिसको हम लोग सर्च कर रहे थे, टेम्परेरीली डिसेबल अकाउंट पे टैप करना है। और यहाँ पे आप देखिए हाई ट्रेंडिंग स्टफ शॉप, यू कैन डिसेबल योर अकाउंट इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग इट। तो डिलीट करने के बजाय आप टेम्परेरीली डिसेबल कर सकते हैं, तो मतलब रीएक्टिवेट हो जाएगा कुछ दिन के बाद, ठीक है। जब तक आप रीएक्टिवेट नहीं करेंगे तो आप एक हफ्ते में केवल एक ही बार डिसेबल कर सकते हैं अपना अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं और डेटा सेफ रहता है, ये सारी चीज़ें मतलब बता रहा है वो। और अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं व्हाई आर यू डिसेबलिंग योर अकाउंट। तो हम लोगों को यहाँ पे रीज़न सेलेक्ट करना है कि समथिंग एल्स, वॉन्ट टू रिमूव समथिंग, टू बिजी, टू डिस्ट्रैक्टिंग, या फिर कंसर्न अबाउट माई डेटा, या फिर ट्रबल गेटिंग स्टार्टेड। कोई भी रीज़न आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे वॉन्ट टू रिमूव समथिंग, वॉन्ट टू रिमूव समथिंग। और उसके बाद बिफोर यू टेम्परेरीली डिसेबल योर अकाउंट, यू माइट वॉन्ट टू टेक अ लुक एट दीज आर्टिकल्स इन आवर हेल्प सेंटर, ये सब कुछ नहीं। और यहाँ पे आपको अब डालना है पासवर्ड, और पासवर्ड डालने के बाद आप जैसे ही टेम्परेरीली डिसेबल अकाउंट पे टैप करेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है फोटोज़ कमेंट्स लाइक हिडन हो जाएगा, और जब आप अगेन लॉग इन करेंगे तो वो सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी। तो इस तरीके से आप परमानेंटली आईडी को अपने डिसेबल कर सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं अपने अकाउंट को। तो इसके वजह से, इसके लिए हम लोग फिर से वही ऑप्शन पे जाएंगे जहाँ पे हम लोग थे पिछले सीरीज़ में। तो मतलब कि अभी हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि जैसे हम लोग पहले जहाँ पे थे हेल्प सेंटर पे आए थे, तो हेल्प सेंटर में मैनेजिंग योर अकाउंट के ऑप्शन पे आए थे। तो यहीं पे हम लोगों को वापस आ जाना है, और यहाँ पे अब हम लोगों को टैप करना है हाउ डू आई डिलीट माई इंस्टाग्राम अकाउंट। तो यहाँ पे पूरा मतलब परमानेंट डिलीशन ऑफ योर अकाउंट, गो टू डिलीट योर अकाउंट, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। और पेज फ्रॉम अ मोबाइल ब्राउज़र आपको सर्च करना है,
मतलब कि आपको फिर से वहीं जाना है। और अगर आप क्रोम ब्राउज़र में यूज़ कर रहे हैं तो डिलीट योर अकाउंट पे आपको यहीं टैप कर देना है। डिलीट योर अकाउंट पे जैसे मैंने टैप किया, रिमेंबर माय चॉइस, और क्रोम से हम लोगों ने इसको ओपन कर लिया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे ओपन किया, मेरा जो जो अकाउंट है मतलब कि जो लॉगिन था ट्रेंडिंग स्टॉफ शॉप, उस पर जैसे मैंने डिलीट योर अकाउंट पे टैप किया है, इफ़ यू वांट अ ब्रेक फ्रॉम इंस्टाग्राम यू कैन टेम्परेरली डिसेबल योर अकाउंट। और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि व्हाई डू यू वांट टू डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट ट्रेंडिंग स्टॉफ शॉप। तो इसमें हम लोगों को सेलेक्ट कर लेना है रीज़न यहाँ पे कि कुछ भी आपको वॉन्ट टू रिमूव समथिंग, कुछ भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ से आपको डालना है अब पासवर्ड। तो पासवर्ड मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड फिल कर दिया और डिलीट ट्रेंडिंग स्टफ शॉप। तो इंस्टाग्राम हम लोगों से कंफर्मेशन मांग रहा है, ओके मैं कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके करा है, ये थोड़ा योर अकाउंट विल बी डिलीटेड ऑन January 24। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अकाउंट है वो 24 जनवरी को डिलीट होगा 2021 में, मतलब कि एक महीने बाद की डेट हम लोगों को मिल रही है। अब ये क्यों है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन अब आपका जो अगर आप अपना माइंड चेंज करते हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन बैक करके, और अगर आप लॉगिन बैक करेंगे, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, अगर आप लॉगिन बैक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो फिर से वापस डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो आपको दोबारा लॉगिन नहीं करना है, और अगले एक महीने के बाद आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट को परमानेंटली डिसेबल, टेम्परेरीली डिसेबल या फिर परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और चैनल की बाकी प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। बाय।